औद्योगिक क्षेत्र के थाना बगदुन अंतर्गत पुलिस द्वारा वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी की गई मोटरसाइकिलें जब्त कर ली है। जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तरुणन सिंह बघेल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह द्वारा वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण के लिए सभी थानों को निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी पीथमपुर समीर पाटीदार को मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर दो नाबालिग आरोपियों को पकड़ा, जिनसे चोरी हो रही मोटरसाइकिलों के संबंध में पूछताछ करते हुए थाना पीथमपुर महू राव आदि स्थानों से कुल 10 मोटरसाइकिल चोरी करना बताया। वह आरोपियों के कब्जे से 10 मोटरसाइकिल कीमत करीब 8 लाख रुपए की जब्त की गई। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। चोर गिरोह पकड़ाया है और क्या है पूरा मामला सर? थाना पीथमपुर बगदून में टीआई समीर पाटीदार की टीम ने दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा था, जिनसे अभी तक 10 मोटरसाइकिल और जिनकी कीमत 8 लाख रुपए है बरामद की जा चुकी है। इन्होंने राहु और बदनावर और दूसरी जगह चोरी मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया है। उनका दो का पुलिस रिमांड लेकर और पूछताछ की जा रही है। जो सरगना है, दो इसमें नाबालिग हैं, उनको बाल संरक्षण गृह में भेजा जा रहा है। कुल कितने आरोपी? 4 आरोपी। ये आदतन अपराधी सर? 2 आदतन अपराधी इसमें। ठीक है सर, आपका नाम बताओ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।